कृष्ण मित्रों मित्रों, अब आपको हम ये अलाइसम के बीज बनाना सिखाएंगे। तो देखिए अलाइसम के बीज कैसे बनाए जाते हैं। हर बार मैं इसी प्रकार से बीज बना के ही ये अलाइसम लगाता हूँ। आपने अब इसको अच्छी तरह से देखना है कि अलाइसम के बीज कैसे है। देखिए इस प्रकार अलाइसम के बीजों को आपको जो ये पेड़ से ही ऐसे करके आपको इनको सारों को ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए इसी प्रकार से आपको ये सारे बीजों को आपको इस प्रकार से निकाल लेना है अच्छी तरह से। जब बिल्कुल पेड़ इस तरह सूख जाए उसके बाद आप इसमें बीज निकाल सकते हो। बहुत बीज निकलते हैं इसमें। ये देखिए इस प्रकार आप इनको अच्छी तरह से निकाल सकते हो। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस बहुत अच्छी जर्मिनेशन होती है। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ इसकी बाकायदा। देखिए इसके अंदर ये देखो इसके अंदर यही अलाइसम के बीज गिर के जमे हुए। ये देखिए ये सारे अलाइसम के बीज जमे हुए हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें जब गिर के बीज जमते हैं, इस तरफ देखो, ये इस तरफ भी देखो कितने अलाइसम के बीज जमे हुए। ये देखिए कितने बीज जमे हुए अलाइसम के। क्योंकि ये वाला पर्पल अलाइसम है, ये सफेद अलाइसम है, वाइट है ये। तो इसी प्रकार हम इसके भी बीज निकाल लेते हैं किसी दूसरे उसमें, ताकि इनको मिलाना नहीं, ताकि आप अलग अलग बीज बना सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर, बस इसको ऐसे करके इसमें आपको ये बीज ऐसे करके आपको निकालने हैं। ऐसे करके ये सभी बीज आपको इस प्रकार से जो भी बीज है वो सारा ये इसमें आ जाएंगे। देखिए ये सफेद अलाइसम के बीज हैं और ये आपके पर्पल अलाइसम के। अब इनको वही आपका वही प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। किसी प्रकार का आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। वैसे इसको आपको ऐसे हाथ में लेके इन सभी बीजों को पहले मोड़ लेना अच्छी तरह से। देसी तरीके से मैं आपको बीज बनाना सिखा रहा हूं। ये देखिए आपको इन सभी बीजों को इस प्रकार से आपको मोड़ लेना है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि बीज फूट जाएंगे, नहीं, जो बीज होगा वो फूटता नहीं है कभी भी। और इसी प्रकार से आपको इसको इसी प्रकार से आप ऐसे ही बीज बना सकते हैं। इसके जो बीज होंगे वो यहीं रह जाएंगे, जो इसमें घास फूस होगा वो निकल के दूर हो जाएगा। एक बार फिर मोड़ लेते हैं इसको। ये देखिए इसको इस तरह भुरभुरा करके इसमें जो हरे बीज होंगे वो अलग से आपको दिखाई दे जाएंगे और जो बीज होंगे वो आपको अलग से दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए ये सारे ये जो आपको जो ये ब्लैक से और ये ब्राउन से दिखा रही है, सारे बीज है। बस आपको इसी प्रकार से ही इसको थोड़ा सा और अलग से आपको इसको छान लेना है। बाकी जो हरे बीज है उनको एक बार आप और करके आप इस तरह करके, हरे बीजों में ज्यादा वो ताकत नहीं होती है बीजों में। इसी प्रकार से आपको ये बीजों को आपको बना लेना है। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे ही हम सफेद वाले के बना लेते हैं। और इनको भी आपको धूप में या छाया में सुखा लेना है। देखो मैं तो इसी देसी तरीके से बीज बनाता हूँ, क्योंकि गांव में सीखा था हमने कि बीजों को कैसे बनाते हैं, कैसे करते थे।
गांव से रहे हुए हैं इसलिए जानते हैं कि बीजों को कैसे बनाया जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका होता है ये बीज बनाने का कि आपका जो बेकार का बीज है वो निकल जाएगा, जो अच्छा बीज है वो रह जाएगा। ज्यादा आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसी प्रकार आपको मिट्टी में ये डाल देने हैं और आपकी जर्मिनेशन अच्छी तरह से हो जाएगी। ये देखिए अभी इतने बीज हो गए कि आप जितना मर्जी आप लाइसम को आप ग्रो कर सकते हो। ये देखिए मेरे लिए इतने लाइसम के बीज काफी होते हैं। ये आपके सामने देखिए ये सारे लाइसम के बीज हैं। अब इन्हीं को इसी प्रकार आपको इसको रख के इसको धूप में सुखा देना है दोनों को इसी प्रकार से। ये देखिए इसमें भी यही सेम बीज है और ये इसमें भी यही बीज है। इसमें आप अच्छी तरह देख सकते हो। ये देखिए ये बीज होते हैं लाइसम के। तो इस प्रकार आपको इसको धूप में रख के किसी भी पॉलिथीन में या डब्बे में आप इसको डाल सकते हो। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।